Hello student, I'm your math teacher Ashraf. In last class, we discussed the first chapter of the mathematics from the NCERT book, that is integers, and also discussed some basic things about the integers like even number, odd number, positive integer, negative integer, and also discussed the number line and how to plot a number on the number line. Today, we discuss about the properties of integer. What is the properties? क्या-क्या rules है? क्या-क्या properties है? जिसके through हम किसी numbers को add या subtract करते हैं. तो आज हम लोग rule पढ़ेंगे. Properties of integers, that is addition and subtraction rule of the integers. इंटीजर का एडिशन का एंड सब्ट्रैक्शन का क्या क्या रूल्स है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. सो देयर आर मेनी रूल्स रिटन हियर एंड नोट डाउन इट इन योर कॉपीज. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, फर्स्ट रूल, सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव. सेकेंड, सम ऑफ टू नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव. Closure under addition and subtraction. Third, commutative property of addition. Fourth, associative property of addition. And additive identity. ये five properties हम लोगों को study करना है इस properties के according. तो let's start from the first. फर्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन सभी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल. सो कीप वॉचिंग कंटिन्यूअसली. ओके, सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव इफ ए एंड बी, ए एंड फर्स्ट प्रॉपर्टी को स्टार्ट कर रहे हैं. इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव देन रिजल्ट इज आल्सो पॉजिटिव. देन ए प्लस बी इज आल्सो पॉजिटिव. क्लियर? ए एंड बी अगर दो पॉजिटिव नंबर है तो उनका जो रिजल्ट आएगा ऐड करने पर दैट इज आल्सो पॉजिटिव. एग्जांपल्स देखते हैं इसका. सपोज 5 इज अ पॉजिटिव नंबर, 7 इज अ पॉजिटिव नंबर, बोथ आर पॉजिटिव नंबर, एड दीज टू नंबर्स, इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे तो रिजल्ट इज आल्सो पॉजिटिव. रिजल्ट वेल, इसका रिजल्ट कैसा होगा? पॉजिटिव नंबर होगा. एक एग्जांपल और ले लेते हैं. सपोज 12 इज अ पॉजिटिव नंबर, 8 इज अ पॉजिटिव नंबर, बोथ आर पॉजिटिव नंबर, इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो रिजल्ट इज 8 एंड 12 एंड 8 20. 20 इज आल्सो पॉजिटिव नंबर. हियर वी नॉट राइट प्लस मींस इट इज पॉजिटिव नंबर. इट इज बाय डिफॉल्ट इज इज पॉजिटिव नंबर. जब भी कोई भी साइन ना लगा हो इट मींस इट इज पॉजिटिव नंबर. सेकेंड नंबर को इसी तरह से सेकेंड टॉपिक को भी देखते हैं. सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज नेगेटिव. सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर या टू नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव. आपका नंबर हो या इंटीजर होगा दोनों का दोनों नंबर नेगेटिव है या दोनों का दोनों पॉजिटिव है तो रिजल्ट भी साइन सेम साइन का होगा. जैसे सम ऑफ टू नेगेटिव नंबर दोनों नंबर नेगेटिव है तो इसका रिजल्ट भी कैसा होगा? नेगेटिव होगा. फॉर एग्जांपल -7 इज अ नेगेटिव नंबर, -5 आल्सो अ नेगेटिव नंबर. ओके, ऐड दीज टू नंबर्स ये दोनों नंबर्स को ऐड कर लिया जाए तो इसको हम लोग ब्रैकेट में राइट कर लेते हैं. अगर टू साइन साथ में आ रहा है तो एक को ब्रैकेट में कर लिया तो -7 और दिस इज प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा -5. तो रिजल्ट इज -7 एंड -5 इट इज -12.
वैल्यूज को ऐड कर लेंगे, -5 -7 बोथ वैल्यूज को ऐड कर लेंगे, दोनों प्लस साइन हो तो भी ऐड करेंगे, दोनों निगेटिव साइन हो तो भी उसको ऐड कर लिया, तो -7 and -5 इज -12। ओके, साइन सेम होगा तो नंबर्स को ऐड कर लेंगे, दोनों प्लस नंबर को 12 कर लिया, दोनों माइनस प्लस को नंबर्स को ऐड कर लेंगे, और साइन जो दोनों का नंबर है बोथ नंबर साइन है उन्हीं का साइन लगा लेते हैं, ये आ जाएगा -12। एग्जाम्पल हार्ड देखते हैं इसी का, सपोज यू हैव -10 and -20 दोनों को ऐड करेंगे, तुमने बताया कि तो दोनों का साइन सेम हो तो नंबर्स को ऐड कर लेंगे, तो दिस इज -10 दिस इज -20 तो बोथ हैव बोथ सेम साइन, सो आंसर इज 30। ऐड करने पे आंसर इज 30। ओके, लाइक दिस -10 -20 इज इक्वल टू -30। ओके, -30 ये नंबर्स को ऐड किया, 10 और 20 30, और साइन दोनों का नेगेटिव तो आल्सो नेगेटिव, रूल बोल रहा है सम ऑफ टू नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव, दोनों नंबर का नेगेटिव उसका रिजल्ट भी कैसा होगा, नेगेटिव नंबर होगा। ओके, गेटिंग, राइट दिस ऑल द टॉपिक्स एंड एग्जांपल इन योर कॉपी। ओके, नेक्स्ट इज क्लोजर अंडर एडिशन। If you have any doubt, you ask in the live class and also comment your conclusion. Okay, closer under addition and subtraction. Closer under addition and subtraction. Closer under addition and subtraction. What is this? Second, what is this? Closer under addition and subtraction. Let if A and B are two integers, then result is also integer. Result is also integer. Okay, if A and B are two integers, then result is also integer. Suppose you have a number 10, a number 5. वहां पे हम लोग साइन को डिस्कस कर रहे थे कि जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, यहाँ पे हम लोग साइन को नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो नंबर्स आ रहे हैं वो कैसा आ रहा है, फ्रैक्शन में आएगा या इंटीजर आएगा, मींस कंप्लीट नंबर आएगा, किसी भी टू नंबर्स को हम लोग ऐड करेंगे, किसी कंप्लीट नंबर्स को जो फ्रैक्शन में आएगा, किसी टू आइटम्स को हम लोग यूज करें, जो पॉजिटिव सॉरी इंटीजर इंटीजर भी है तो उसका फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकता, जैसे 1 marker and 1 marker 2 marker। ओके, तो होल नंबर होगा 1 apple and 1 apple 2 apple, तो दोनों ही कंप्लीट एप्पल है तो उसका रिजल्ट भी कंप्लीट एप्पल ही होगा, फ्रैक्शन में तो एप्पल आएगा नहीं, हाफ में एप्पल आएगा नहीं, तो अगर 1 apple and 1 apple 2 apple 1 apple and 5 apple 6 apple तो जो रिजल्ट आएगा वो भी कंप्लीट इंटीजर नंबर ही आएगा, यही कह रहा है क्लोजर अंडर एडिशन एंड सबट्रैक्शन। 10 and 5 तो रिजल्ट इज आल्सो 15, नंबर इज 15, a whole integer number, complete number. This is not 15.6, this is not like this.
इस तरह से नहीं होगा कि पॉइंट में हो या फ्रैक्शन में हो, इस तरह से नहीं होगा। आपका जो अगर दोनों नंबर इंटीजर है, फर्स्ट नंबर है सेकेंड नंबर, दोनों ही के दोनों इंटीजर नंबर है, कंप्लीट नंबर है, कोई भी फ्रैक्शन पार्ट नहीं है, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी आपका इंटीजर ही होगा। क्लियर? सपोज 6 इज अ पॉजिटिव इंटीजर नंबर, होल नंबर, कंप्लीट नंबर। 7 इज आल्सो कंप्लीट नंबर, देन रिजल्ट इज आल्सो कंप्लीट नंबर। कंप्लीट मींस इंटीजर नंबर, होल नंबर जो भी कहिए, दैट इज सेम। ये सारे के सारे डिस्कस करेंगे। तो देखिए कंप्लीट नंबर, ये भी कंप्लीट नंबर। सिमिलरली सबट्रैक्शन के लिए देखेंगे, सबट्रैक्शन के लिए अगर यूज किया जाए इफ ए एंड बी आर इंटीजर, देन ए माइनस बी इज आल्सो इंटीजर, इज आल्सो इंटीजर। तो ए माइनस बी क्या होगा? इंटीजर। सपोज 12 माइनस 7, 12 इज अ कंप्लीट नंबर, इंटीजर नंबर। 7 is also integer number, complete number. Result is 5. Result is 5. 12 minus 5, 5. Another example, 6 minus 9, 6 minus 9. देखिए अभी हम लोग अंडर क्लोजर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पढ़ा कि दोनों नेगेटिव हो तो साइन नेगेटिव होगा, यानी कि नेगेटिव नंबर होगा। दोनों पॉजिटिव हो तो प्राइम नंबर पॉजिटिव होगा। पर यहाँ पे देखिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे कि ग्रेटर नंबर से स्मॉल नंबर को माइनस कर देंगे, ग्रेटर नंबर से स्मॉल नंबर को माइनस कर देंगे। 12 माइनस 7 5, और साइन जो ग्रेटर नंबर है उस ग्रेटर नंबर का साइन हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे 12 इज ग्रेटर नंबर, सो आंसर इज +5। ग्रेटर नंबर टू स्मॉलर नंबर, 9 माइनस 6 3, 9 इज ग्रेटर नंबर, सो इट इज साइन, टेक द साइन नेगेटिव, ठीक, -3। तो देखिए यहाँ पे लोग साइन पर डिस्कस कर दिया है, लेकिन हमारा टॉपिक था इफ ए एंड बी आर द इंटीजर, देन ए माइनस बी इज आल्सो इंटीजर, उसका रिजल्ट भी कैसा होगा? इंटीजर होगा। तो 12 माइनस 7 5, 5 इज आल्सो इंटीजर नंबर, इट इज नॉट अ फ्रैक्शन नंबर, ओके। 6 माइनस 9 आल्सो 3, -3 साइन से मतलब नहीं है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नंबर आपका इंटीजर है, कंप्लीट नंबर है या नहीं। तो देखो 5 और 3 बोथ आर इंटीजर नंबर, आइदर इंटीजर नंबर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, बोथ पॉजिटिव भी हो सकता है, इंटीजर नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ तो पॉजिटिव नेगेटिव का नहीं, हमें देखना है कि नंबर फ्रैक्शन में तो नहीं है, तो फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है, इट इज अ इंटीजर नंबर, कंप्लीट नंबर है। सो इट इज फॉलो दिस रूल ऑफ क्लोजर अंडर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इन दोनों रूल्स को ये फॉलो कर रहा है कि किसी भी दो नंबर को अगर हम लोग ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो उनका जो रिजल्ट आता है वो अभी कैसा होगा? इंटीजर या कंप्लीट नंबर ही होगा। ओके ओके, नेक्स्ट टॉपिक। Repeat this video 2 to 3 times and you getting all the things. Commutative property. Commutative property. Let A and B are two numbers, then if we add A to B, if A को हम लोग B से add कर दे या और B को A number से add कर दे,
ए को बी से ऐड कर दे या बी को टू से ऐड कर दे, तो इन दोनों का जो रिजल्ट होगा वो सेम होगा, इक्वल होगा, इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल इसको हम लोग देखें तो सपोज यू हैव अ 5 रुपीज एंड योर फादर गिव यू 7 रुपीज मोर। आपके पास 5 रुपीज है, आपके फादर ने आपको 7 रुपीज और दे दिया, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 12 रुपीज। ओके, सिमिलरली इफ यू हैव 7 रुपीज, आपके पास 7 रुपीज था और 5 रुपीज आपको फादर ने दे दिया, अब कितना हो गया रुपीज, दोनों ही 12 हुआ। मीन्स 5 को 7 से ऐड करें या 7 को 5 से ऐड करें, दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। ठीक, सो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, दिस इज द कमुटेटिव प्रॉपर्टी, दिस इज द कमुटेटिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल क्वेश्चन देते हैं आप लोग को। क्वेश्चन, इफ यू हैव अ नंबर 50 एंड दिस इज 20 इज इक्वल टू 20 प्लस व्हाट इज दिस, व्हाट नंबर कम इन दिस प्लेस, व्हाट नंबर कम दिस प्लेस। ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बोथ नंबर इन बोथ साइड, इस नंबर पे जो नंबर है वही नंबर इन साइड पे भी होने चाहिए, क्योंकि ये नंबर्स को इक्वल होना है, रिजल्ट इक्वल है दोनों का, इस साइड का इस साइड का। तो यहाँ पे देखिए 20 20 है कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये 50 यहाँ पे होना चाहिए तभी ये नंबर आपका इक्वल हो सकता है, ये नंबर आपका इक्वल हो सकता है। तो 50 20 था 20 50, दैट इज फॉलो द कम्यूटेटिव रूल। फॉर एग्जाम्पल सपोज यू हैव 125 प्लस 215 प्लस 125, व्हाट नंबर कम इन दिस प्लेस, व्हाट नंबर कम इन दिस प्लेस। सपोज जो नंबर इस साइड पे है सेम नंबर इस साइड पे भी होना चाहिए, ऑर्डर में भी डिफरेंट ऑर्डर आपका डिफरेंट हो सकता है, पर दोनों के नंबर जो नंबर इस साइड पे है वही नंबर इस साइड पे होना चाहिए, जो नंबर इस साइड पे है सेम नंबर इस साइड पे भी होना चाहिए, सिर्फ ऑर्डर का डिफरेंस हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए 215 यहाँ पे है, 125 वहाँ पे, 125 हियर 125 हियर, 215 इज नॉट हियर, सो दिस इज 215, दिस इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में भी देखेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लेट ए बी एंड सी आर थ्री नंबर्स, देन ए प्लस बी प्लस सी, ए को ब्रैकेट से बाहर लिया और बी एंड सी को इन ब्रैकेट ब्रैकेट को लिया। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ए एंड बी को ब्रैकेट में कर लेंगे, ए एंड बी को ब्रैकेट में कर लेंगे और सी को बाहर कर देंगे, आउटसाइड ब्रैकेट। ए प्लस बी प्लस सी यानी कि किन्हीं दो एनी टू नंबर्स को उन्होंने ब्रैकेट में ले लिया और फर्स्ट नंबर को किसी एनी नंबर्स को लोग ब्रैकेट के बाहर कर लें। ये यहाँ पे ए एंड बी फर्स्ट टू नंबर्स को ब्रैकेट में कर लिया है, थर्ड नंबर्स को आउट ऑफ द ब्रैकेट ब्रैकेट से बाहर कर दिया, तो इन दोनों का भी जो रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा वो सेम आएगा, रिजल्ट इज सेम। एग्जाम्पल को क्लियर करते हैं,
सपोज 5 इज अ नंबर एंड 3 प्लस 6 इज 5 3 6 3 नंबर इज हियर एंड वी अब इसी को दूसरे टाइप में लिखते हैं. फर्स्ट टू नंबर को ब्रैकेट में लग देते हैं 5 प्लस 3 एंड थर्ड नंबर को ब्रैकेट से बाहर कर लिया, सी को बाहर कर लिया. कंपेयर करिए, ए इज 5 बी इज 3 सी इज 6, ए इज 5 बी इज 3 सी इज 6. क्लियर? बोडमास रूल के थ्रू, बोडमास रूल नो यूज करते हैं, ठीक है. बोडमास रूल के थ्रू सबसे पहले हम लोग किसको यूज करते हैं, ब्रैकेट को. ब्रैकेट को यूज करते हैं, ओके. बोडमास रूल आप लोगों ने देखा होगा, बोडमास रूल ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. ब्रैकेट सबसे पहले ब्रैकेट, देन ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. तो सबसे पहले हमने क्या यूज किया, ब्रैकेट को. तो सबसे पहले ब्रैकेट की वैल्यू को सॉल्व करेंगे, 5 प्लस 3 प्लस 6 9, दिस इज 14. इस साइड से सॉल्व करते हैं, 5 प्लस 3 8 प्लस 6 दैट इज 14. वी सी द बोथ रिजल्ट आर सेम, बोथ रिजल्ट आर सेम. सो इट इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी when we solve like this. Okay, one question is here. Suppose 10 plus 6 plus 9 is equal to 10 प्लस प्लस नाइन, व्हाट नंबर कम दिस प्लेस, व्हाट नंबर कम दिस प्लेस, कौन सा नंबर आएगा इस प्लेस पर, कौन सा नंबर आएगा इस प्लेस पर, एनीवन, ओके. तो 10 प्लस 6 सी, दिस इज 3 नंबर, 10 6 9, ये तीन नंबर इस साइड पे भी होने चाहिए, इस साइड पे भी ये नंबर होने चाहिए. तो 10 एंड 6 फर्स्ट सेकंड नंबर है, दिस इज थर्ड नंबर. तो सेकंड नंबर इज 6, सो हियर इज 6, ओके. इससे रिलेटेड आपके एक्सरसाइज में, एक्सरसाइजेस में जो भी क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करिएगा, और जो प्रॉब्लम हो उसको कमेंट में या लाइव क्लास पे आप डिस्कस कर सकते हैं, ओके. तो प्रॉपर्टीज से रिलेटेड आपके जो एक्सरसाइजेस में जो क्वेश्चन है, यही आपका होमवर्क है कि एक्सरसाइजेस में जितने भी प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस है उन सबको आप लोग सॉल्व करिए. ओके, नेक्स्ट एडिटिव आइडेंटिटी. एडिटिव आइडेंटिटी इज जीरो, एडिटिव आइडेंटिटी इज जीरो, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी. लेट ए इज अ नंबर, x is a number, then x plus 0 is equal to x. Means additive identity वो number है जिसको add करने पर हमारे result में कोई भी difference ना आए, जो number था already वही number result में भी हो, तो उसको बोलेंगे हम लोग, उस numbers को बोलेंगे जिसकी वजह से effect नहीं आ रहा है, वो होगा क्या, additive identity. Here, 0 is additive identity. 0 is additive identity.
जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी, जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी, जीरो जीरो ऐड करने पे इस इक्वेशन में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, सो इट इज एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जांपल्स में देखते हैं, सपोज 25 प्लस जीरो रिजल्ट इज आल्सो 25, क्योंकि 25 में जीरो ऐड किया, जीरो मींस नथिंग, कुछ भी ऐड नहीं किया, तो 25 में हम नथिंग यूज करेंगे, कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, तो रिजल्ट क्या होगा, सेम टू सेम 25। तो जीरो का मतलब क्या है कि जीरो मतलब नथिंग, कुछ भी ऐड नहीं कर रहे, तो यू हैव 25 रुपीज, आई यू ऐड नथिंग, आपने कुछ भी उसमें पैसे कोई भी ऐड नहीं किया, मीन्स सेम नंबर, सो 25 ऐड टू जीरो इट इज 25, तो दिस जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। क्वेश्चंस है आपके पास, सपोज यू हैव स्पेस या एक्स प्लस जीरो इज इक्वल टू 30, फाइंड एक्स, व्हाट इज एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड एक्स लाइक दिस क्वेश्चन, फाइंड एक्स वेयर एक्स प्लस जीरो इज इक्वल टू 30, आंसर इज x इक्वल टू 30 ड्यू टू आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, दिस इज 0, दिस इज आल्सो 30, द रिजल्ट इज 30, x इज इक्वल टू 30, दिस इज आंसर। ओके, और इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हम इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। We'll discuss the sum multiplication of two numbers. Multiplication of two numbers. Multiplication of two numbers. Let A and B are two numbers, then दो नंबर को हम लोग कैसे ऐड करेंगे उसको रूल पे देखते हैं। तो फर्स्ट रूल इज, फर्स्ट इफ A इज अ नंबर एंड B मल्टीप्लाई बाय जीरो देन आंसर इज जीरो, A आंसर इज जीरो। जीरो के साथ किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट जीरो हो जाएगा। सिमिलरली एग्जांपल भी देख लेते हैं इसका, एग्जांपल 5 इज मल्टीप्लाइड बाय जीरो दैट इज आंसर इज जीरो। एनी नंबर इफ यू मल्टीप्लाई बाय 1 देन रिजल्ट इज सेम नंबर ए, रिजल्ट इज सेम नंबर, 5 इंटू ए टू 1 दैट इज ए, जिसे आप टेबल पढ़ते हैं 5 वन जा 5, 2 वन जा 2, 10 वन जा 10, 9 वन जा 9, 9 वन जा 9, 6 वन जा 6, 10 वन जा 10, एनीथिंग किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें दैट इज 9। नेक्स्ट वन, if a is multiplied with b then it is also written as b into a, commutative property, this is also written as ab, positive with positive sign, positive sign hai, a and b both are positive, this is also positive and this is commutative property follow kar raha hai, a into b into b into a, commutative property ko bhi follow kar raha hai, a to b is also b to a is equal to, it is also written as ab, ab likha hua hai, it means a into b, yani a multiplied with b,
एग्जांपल्स देखते हैं इसका. 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 5. 3 इंटू 5 रिजल्ट वो था 15. 5 इंटू 3 15, 3 इंटू 5 15. रिजल्ट इज सेम. Fourth, a negative number. If a is multiplied by b, minus a multiplied with b, then this is also written as b into minus a. Result is minus ab. This is important. Minus ab. Minus ab. पहले negative signs को देख लेते हैं. Negative sign को. Both are positive sign and they are both are negative sign. Then what is minus b into minus a? Answer is ab. Answer is ab. Then both number are positive or both number are negative, then result is positive. Both number is positive or both number are negative, तो दोनों ही number positive या दोनों ही number negative होंगे तो उनका result आपका पॉजिटिव नंबर आएगा. ठीक है, उनका नंबर आपका पॉजिटिव नंबर आएगा. ये देखिए पॉजिटिव नंबर. क्लियर? इससे रिलेटेड एग्जांपल को भी आप सिमिलरली देख सकते हैं. -5 × -3 दैट इज 50 पॉजिटिव नंबर. ओके, नेक्स्ट वन इज if minus a into b or a into minus b, any one number is negative, कोई भी एक number negative हो तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में आपका जो result आएगा वो negative आएगा. जो result आएगा वो कैसा आएगा? Negative आएगा. A को B से A and B में anyone is negative, either A either B, the result is negative A into B. Clear? तो commutative property में इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, B into minus A या minus B into A, ऐसा भी लिख सकते हैं. ठीक है, this is आपको more important. And important is this, कि A into B में कोई भी एक negative number है तो उनका result आपका कैसा आएगा? Negative आएगा. इससे रिलेटेड एग्जाम्पल को देखें. सपोज -5 × 3 आंसर इज -50. हियर आल्सो 5 × -3 दैट इज रिजल्ट इज -50. तो यहाँ पर हम लोग समय देखते हैं कि किसी भी टू नंबर, किसी भी नंबर को अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर इज जीरो. किसी भी नंबर को अगर वन से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर इज सेम नंबर दैट इज ए. किसी ए नंबर को हम ए को बी से मल्टीप्लाई करें तो ना दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे रिजल्ट उनका पॉजिटिव होगा. दोनों नंबर अगर नेगेटिव है तो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे और साइन इज पॉजिटिव तो साइन पॉजिटिव भी होगा. अगर ए टू बी एंड बी टू ए, यानी कोई एनी वन नंबर इज पॉजिटिव एंड वन नंबर इज नेगेटिव देन आंसर इज नेगेटिव. तो वन नंबर इज नेगेटिव सो रिजल्ट इज आल्सो नेगेटिव. इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और सम प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन वी डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. सो वॉच दिस वीडियो 2 to 3 times सो दैट सो यू गेट ऑल द कंप्लीट नॉलेज ऑफ दिस एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन एंड यू गेट ऑल द नॉलेज. ओके, थैंक यू, गुड नाइट.